जिस खबर की आज हम लोग बात करेंगे वो इस गर्मी से आप सबको राहत दिलाने वाली हो सकती है। और जहां गर्मी की बात आती है वहां हर किसी के मन में शायद यही ख्याल आता होगा कि काश मेरे भी घर में एसी लगा होता, लेकिन बहुत बार इसके महंगे होने की वजह से हम इसे खरीद नहीं पाते। लेकिन अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नमस्कार, एमटीटीवी इंडिया से मैं रितंभरा आपके साथ। सत्ता में जोरदार वापसी करने के बाद मोदी सरकार जनता के लिए एक बार फिर एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसकी कीमत बाजार में जो एसी मिल रहा है उससे कम होगी, और ये एसी आपके बिजली के बिल का भी ध्यान रखेगी। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन अब कर लीजिए क्योंकि ये बात सच है। इस स्कीम का मेन टारगेट कॉमन कंज्यूमर्स होंगे और इसका मिशन होगा एक साल में लगभग हर घर तक एसी पहुंचाना। और हाँ, शायद आपको इसके लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े क्योंकि जुलाई से ही ये स्कीम लागू होने के पूरे पूरे चांसेस है। वैसे आपको याद होगा सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिसमें एलईडी लाइट्स बाजार से कम कीमत पर मिली थी, तो बस उसी तर्ज पर ये एसी की स्कीम सरकार ने निकाली है। अच्छा, बात करते हैं आखिर ये स्कीम है क्या। सबसे पहले तो ये जो एसी होगी इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बुकिंग जो है आप घर पर बैठे एक क्लिक पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर अंदर एसी लगवाने का वादा सरकार ने किया है। और इसकी कीमत भी आपके बजट में होगी क्योंकि बाजार की कीमत से 15% से 20% तक इसकी कीमत कम होने वाली है, और कीमत के साथ ही साथ बिजली के बिल में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इस एसी से 30% से 40% तक बिजली की बचत हो सकती है। हो सकता है कि आप यहाँ एक्सचेंज ऑफ़र का भी फ़ायदा उठा पाएँ क्योंकि सरकार ने ये स्कीम में ये ऑफ़र आपको दिया है जिससे आप अपना पुराना एसी इस एसी के बदले में खरीद पाएंगे। और एसी की जो गारंटी है वो एक साल की है और इसके कंप्रेशर की गारंटी 5 साल तक आपको मिल सकती है। अगर आप इस एसी को यूज़ करने वाले हैं तो मान लीजिए कि बिजली के सालाना बिल में आप सीधे सीधे 11,162 रुपये तक बचा सकते हैं, लेकिन इस एसी को सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके नाम पर बिजली का कनेक्शन है। तो ये तो हुई एसी की बात, और अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसको सरकार ने एसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं बताऊं आपको, इस कंपनी का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के पास सस्ते एलईडी बल्ब्स, पंखे और ट्यूबलाइट बनाने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और कंपनी ने अगले साल तक 2 लाख लोगों तक एसी पहुँचाने का टारगेट रखा है। एसी को बेचने का काम बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम करने वाली है। वैसे अब तक एसी सप्लाई की रेस में एलजी, पैनासोनिक, गोदरेज और ब्लू स्टार जैसी कंपनियां शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो बहुत जाहिर सी बात है, सरकार बिजली की खपत कम करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है जहाँ बिजली अब तक नहीं पहुँची है, क्योंकि इस स्कीम से सीधे सीधे हर साल 20 अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है।